कैसे भारतवासियों को तोड़ा जाए और कैसे भारतवासियों को फिर से अलग किया जाए। और उसी तोड़ने और अलग करने का नतीजा यह था कि अंग्रेजों की सरकार ने भारत के अंदर एक ऐसा आदमी खोजा जो उनके इस काम को आसान करे, और उस आदमी का नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना लंदन में पढ़ रहा था उस समय, कॉलेज उनका था हैरिस कॉलेज, वहां पर वो पढ़ाई करता था। पढ़ाई करते समय उनकी नजर पड़ी, अंग्रेजों ने तय कर लिया कि इस आदमी को हम भारत में मुस्लिम लीडर के रूप में प्रमोट करेंगे और इसकी मदद से अपनी नीतियों को भारत में लागू कराएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को हमेशा अपने कंट्रोल में रखने के लिए अंग्रेजों ने उसके पीछे एक बहुत बड़ी चाल खेली। आप जानते हैं कि अंग्रेजों की कौम दुनिया में सबसे निकृष्ट है, कभी भी कानूनी काम करना हो उससे भी कई गुना नीचे गिरकर गैर कानूनी काम भी वो कर सकते हैं। किसी राजा के साथ भारत में उन्होंने संधि की, अगले ही दिन उस संधि से पलट सकते हैं। तो जिन्ना को प्रमोट करने का तय किया और उसके पीछे अपना एक पिल्लू छोड़ दिया या एक एजेंट लगा दिया। उस एजेंट का नाम था एडविना। उस एजेंट का नाम था एडविना। बाद में यही एडविना माउंटबेटन की पत्नी बनाई गई और उसको भारत में उन्होंने भेजा था। बीच का किस्सा यह है कि लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को। एडविना भी उसी कॉलेज की विद्यार्थी थी, लॉ में पढ़ती थी जिसमें जिन्ना पढ़ता था। और कुछ संयोग ऐसा हुआ या दुर्योग ऐसा हुआ कि जहां उन्होंने लगा दिया जिन्ना के पीछे एडविना को और जिन्ना को पता नहीं, वहीं उसी समय नेहरू जी भी पढ़ाई किया करते थे हैरिस कॉलेज में, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैरिस कॉलेज में पढ़ा करते थे, जिन्ना के साथ कभी कभी चाय कॉफी पिया करते थे। धीरे धीरे इस एडविना ने नेहरू और जिन्ना दोनों को शराब पीना सिखाया और दोनों को धीरे धीरे आगे बढ़ाया। अंग्रेजों की पॉलिसी थी कि दोनों को पेम्परिंग करते रहना है, दोनों को थपथपाते रहना है। थोड़े दिन के बाद जब इनकी पढ़ाई पूरी हुई, ये वापस आए तो एडविना इनके साथ लग चुकी थी। शादी तो उसकी बाद में हुई है, पहले वो लग चुकी थी। एडविना को ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक स्पेशल ऑफिसर बना के एक बहुत बड़ी पोस्ट देकर, सीक्रेट एजेंसी के जैसे एक पोस्ट बनाकर हिंदुस्तान में लगा दिया। और उसको कहा गया कि एक ही काम करना है, जिन्ना को प्रमोट करते हुए, पैम्परिंग करते हुए मुसलमानों का नेता घोषित करवाना है। जिन्ना भारत आ गया पढ़ाई पूरी करके, फिर उसके बाद अंग्रेजी अखबार जो यहां छपा करते थे हिंदुस्तान में, उन अंग्रेजी अखबारों में जिन्ना के बड़े बड़े बयान, एक छोटी सी बात कहे तो उसको बड़ा करके छापना, फोटो के साथ छापना, ये सब कहानी उन्होंने शुरू की। जिन्ना को लगा कि वो बहुत बड़ा लीडर है, वो दिल्ली में एक छोटा सा स्टेटमेंट करता था, अंग्रेजों का अखबार जिसको आप टाइम्स ऑफ इंडिया कहते हैं, ये अंग्रेजों का अखबार हुआ करता था, इसमें फ्रंट पेज पे छपता था। जिन्ना को लगता था अरे बहुत बड़ा लीडर हो गया वो, वास्तव में उसकी बात कोई सुनता और समझता नहीं था। भारत में मुसलमानों के दो वर्ग हैं, एक वर्ग शिया है दूसरा सुन्नी है, दोनों ही जिन्ना को नेता नहीं मानते थे। शियाओं को पूछोगे जिन्ना नेता बन गया तो शिया और सुन्नी कहते थे जी तो कन्वर्टेड है, हमारा लीडर नहीं है। फिर उनसे दूसरी बात पूछो तो वो कहते थे ये तो सुअर का मांस खाता है, हमारे यहां तो वर्जित है। फिर उसको पूछो तीसरी बात तो ये तो शराब पीता है, हम मुसलमान तो शराब नहीं पीते। और सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन था, जिन्ना का परिवार ब्याज पर पैसे दिया करता था, ये उनका मुख्य बिजनेस था। आप जानते हैं कि मुसलमान ब्याज पर पैसा लेना देना पसंद नहीं करते, तो वो कहते थे ये मुसलमान कहां से है। तो हिंदुस्तान का शिया और सुन्नी समाज जिन्ना को लीडर कभी मानता नहीं था, लेकिन अंग्रेज जबरदस्ती उसको मुसलमानों का नेता है ऐसा करके पैम्परिंग किया करते थे। धीरे धीरे उसकी बार्गेनिंग पावर उन्होंने बढ़ाना शुरू किया और कांग्रेस में उसको पहले भर्ती करा दिया। कांग्रेस के अंदर आके उसने ये कहना शुरू किया कि एक ना एक दिन भारत आजाद होगा तो अलग अलग हमको संप्रदायों के आधार पर मत विभाजन करवाना है। तो कांग्रेस के कई नेता कहा करते थे कि नहीं ये कोई काम नहीं है, ये कोई इशू नहीं है। धीरे धीरे जिन्ना ने देख लिया कि कांग्रेस उसकी इस बात से सहमत नहीं है, अंग्रेज उसको बराबर इसी के लिए पैम्परिंग करते रहे। एक दिन जिन्ना ने कहा कि कांग्रेस में मेरा दम घुटता है, मुझे ये पार्टी छोड़नी है, वो अलग आ गया। उसी समय अंग्रेजों ने क्या किया कि
कि पुरानी बनाई हुई एक छोटी सी संस्था थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग, जिसका अंग्रेजों ने कभी रजिस्ट्रेशन किया था सोसाइटीज ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के आधार पर 1905-6 में, उस संस्था का जिन्ना को प्रेसिडेंट बना दिया। उस संस्था में मेंबर कितने थे? 5, उसमें से एक जिन्ना, 4 में एक टाइपिस्ट जो संस्था का काम टाइप करता रहता था, एक झाड़ू लगाने वाला, ऐसे करके 5 मेंबर थे, छठा कोई मेंबर नहीं था। लेकिन यह संस्था का नाम ऐसा फैलाया, टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले ही दिन जब मुस्लिम लीग का प्रेसिडेंट बना तो जिन्ना का इंटरव्यू आया, उसमें पूछा गया कि भाई आपका उद्देश्य क्या है, तो आजादी लेना, तो उसके बाद का उद्देश्य क्या है, तो भारत में मुसलमानों की सत्ता स्थापित कराना। तो वो कैसे संभव है? हिंदू तो मेजोरिटी में है, तो जिन्ना ने कहा कि अगर संभव नहीं हुआ तो भारत का बंटवारा करना। इस तरह से वो आदमी बढ़ता गया, अंग्रेज उसको खाद पानी देते गए, उसमें बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करते गए। एक दिन ब्रिटिश पार्लियामेंट में बहस हुई कि हम जिन्ना पर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। आप जानते हैं जिन्ना का खर्चा करोड़ों रुपए का साल का ब्रिटिश पार्लियामेंट उठाती थी। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सांसद ने सवाल उठा दिया कि जिन्ना के ऊपर इतना पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं। तो अंग्रेजों का एमपी नहीं, प्राइम मिनिस्टर कहता है, क्लेमेंट आर एटली एक दिन पार्लियामेंट में, और चर्चिल भी बाद में कहता है कि यह हमारा ट्रंप कार्ड है, इसमें पैसा हम लगा रहे हैं ताकि जब चाहें तब इसको एनकैश कर सके। और यह बात 1939 में कही विंस्टन चर्चिल ने, 1942 में कही क्लेमेंट आर एटली ने कि यह हमारा ट्रंप कार्ड है, और सच में उन्होंने उसको ट्रंप कार्ड की तरह से इस्तेमाल किया। 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन जब सफल हो गया और अंग्रेजों ने देख लिया कि भारत के क्रांतिकारियों में बहुत बड़ी लहर पैदा हो गई है, भारत छोड़कर जाना ही पड़ेगा, और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि सेकंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की इतनी पिटाई हो चुकी थी कि उनकी पूरी की पूरी कमर टूट गई थी, आर्थिक रूप से वो बहुत कमजोर हो गए थे, कारखाने उनके बहुत बुरी तरह से बंद हो गए थे, क्योंकि एक तो मंदी चल रही थी इंग्लैंड में और ऊपर से सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ना पड़ा, सामने जो उनका दुश्मन था हिटलर वो बहुत था, इसलिए अंग्रेजों की कमर टूटी हुई थी। तो उन्होंने कहा अब ये दो देशों को हम संभाल पाएं ये संभव नहीं है, भारत को छोड़ना ही पड़ेगा अगर हम अपने को बचाना चाहते। तो उन्होंने 1942 के अंत में ही तय कर लिया था कि अब हम भारत को छोड़ देंगे, बाद में घोषणा भी कर दी 45 में कि भारत को छोड़ देंगे। जैसे ही भारत को छोड़ने की बात आई तो जिन्ना को फिर आगे कर दिया कि अब तुम डिमांड करो। जिन्ना ने कहा कि ठीक है मुझे पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, इससे कम पर कोई समझौता हो सकता है? कांग्रेस के नेताओं ने जिन्ना से पूछा तो उसने कहा हां हो सकता है। क्या हो सकता है? मुझे भारत का प्रधानमंत्री बना दो, इस पे समझौता हो सकता है। तो कांग्रेस के नेताओं ने पूछा कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनो तो पाकिस्तान छोड़ दोगे? हां छोड़ दूंगा, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं पाकिस्तान की मांग छोड़ दूंगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें यह बात रखी गई कि जिन्ना बोलता है कि उसको प्रधानमंत्री बनाना है, तो नेहरू जी ने कहा कि मैं उसको प्रधानमंत्री तो क्या अपने ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकता। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के नेताओं ने कहा कि आप उसके साथ इतनी घृणा क्यों है? आप बोलते हैं कि उसको ऑफिस का चपरासी नहीं बना सकते, वो आदमी कह रहा है कि प्रधानमंत्री बना दो तो मैं पाकिस्तान नहीं मांगूंगा, तो हमारे लिए तो यह सौदा अच्छा है कि पाकिस्तान ना बने और वो थोड़े दिन के लिए प्रधानमंत्री हो जाए। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में कई नेताओं ने ऑब्जेक्शन लिया नेहरू जी के सामने, गांधी जी के पास बात पहुंची। गांधी जी के पास एक व्यक्ति आया करता था जो जिन्ना का फैमिली डॉक्टर था, उसने एक दिन आके गांधी जी को कहा कि बापू ये आदमी ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगा, मरने वाला है। कैसे? इसको पीठ में भयंकर ट्यूबरकुलोसिस हो गया। उम्र कितनी है गांधी जी ने पूछा, तो उसने कहा मेडिकल साइंस के जितने फैक्ट्स एंड फिगर हैं उसका हिसाब जोड़ू तो ये 8 महीने से ज्यादा जिंदा नहीं रहेगा। गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि जिन्ना को प्राइम मिनिस्टर बना दो। तो फिर प्रश्न उठा क्यों? तो गांधी जी ने कहा बचेगा नहीं, ज्यादा दिन की उम्र नहीं है, मरेगा, कम से कम भारत तो बंटवारा नहीं होगा। और गांधी जी को इसमें इंटरेस्ट क्या था? आप जानते हैं गांधी जी ने एक स्टेटमेंट कर दिया था पब्लिकली कि पाकिस्तान बनेगा तो मेरी लाश पर बनेगा। तो गांधी जी ने कहा कि मेरी तो ये कमिटमेंट है कि मैं पाकिस्तान नहीं बनने दूं। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सामने गांधी जी समझा रहे हैं कि 8 महीने में मर जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस हो गया है, पीठ का ट्यूबरकुलोसिस है, बन जाने दो। तो नेहरू ने कहा मैं
तो तुम डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन जाओ। तो फिर बाकी नेता खड़े हो गए, मैं तो गांधी जी ने कहा कोई फाइनेंस मिनिस्टर हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, कोई कुछ हो जाओ, प्राइम मिनिस्टर इसको हो जाने दो। तब नेहरू ने फिर कहा गांधी जी से, और वो आप सुनिए, और वो रिकॉर्ड की बात है, कोई साधारण बात नहीं है, फिर आपको समझ में आएगा कि भारत के बंटवारे का जिम्मेदार कौन है। नेहरू जी ने कहा कि बापू, अगर जिन्ना प्रधानमंत्री बनेगा तो मैं कांग्रेस को तोड़ दूंगा, और मैं कांग्रेस को तोड़कर अपना अलग गुट बनाऊंगा और अंग्रेजों के सामने सत्ता के दावे का क्लेम करूंगा। जैसे आज हमारे देश में होता है ना, चुनाव खत्म होता है, गवर्नर के पास हम जाते हैं ना क्लेम करने के लिए कि मैं कल से सरकार बनाऊंगा। तो नेहरू जी का स्टेटमेंट है, रिकॉर्डेड स्टेटमेंट है, गांधी जी के सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया, जिनका नाम था प्यारे लाल, वो लिखा हुआ है। तो नेहरू जी कहते हैं कि मैं कांग्रेस का एक गुट बनाऊंगा, अंग्रेजों के सामने अपना दावा पेश करूंगा, हो सकता है अंग्रेज मुझे सत्ता हस्तांतरण करें, फिर उसके बाद क्या होगा। तब गांधी जी ने कहा कि नेहरू, अगर तुम्हारी ये विचारधारा है तो मुझे भगवान अभी उठाए, मैं अब एक मिनट भी जिंदा नहीं रहना चाहता। तो मौलाना अब्दुल कलाम ने गांधी जी को पूछा कि आप इतने निराश क्यों हो गए, तो गांधी जी ने कहा कि मैंने किसी गलत आदमी के सिर पर हाथ रखा है। गलत आदमी माने पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर गांधी जी ने अपने सेक्रेटरी प्यारे लाल को कहा कि ये नेहरू और जिन्ना में इतनी घृणा क्यों है। प्यारे लाल ने कहा मुझे नहीं मालूम है। तो गांधी जी ने कहा पता कराओ। तो पता कौन कराएगा, तो LIU के दिल्ली के ऑफिसर को बुलाया, जो गांधी जी की प्रार्थना में नियमित रूप से आता था रिपोर्टिंग करने के लिए। गांधी जी ने अपने पास बुलाया कि भाई एक रहस्य मुझे बता दो। क्या? कि ये जिन्ना और नेहरू एक दूसरे को पसंद नहीं करते, फूटी आंख देख नहीं सकते, चक्कर क्या है? तो LIU के ऑफिसर ने कहा 15 दिन का समय दे दो, मैं आपको बता दूंगा। 15 दिन के बाद वो आया और उसने कहा कि बापू, ऑफिशियल रिपोर्ट दूं कि अनऑफिशियल? तो गांधी जी ने कहा दोनों दो। तो उन्होंने कहा कि अनऑफिशियल रिपोर्ट ये है जो मैं लिख के नहीं दूंगा, लेकिन आप समझ जाएंगे, लिख के दूंगा, अप्रत्यक्ष रूप से लिखूंगा तो भी आप समझ जाएंगे। बात सीधी सी ये है कि ये जिन्ना और नेहरू एक दूसरे को पसंद इसलिए नहीं करते हैं कि इनके बीच में एडविना है। अब आप इसमें से अगर निष्कर्ष निकालना चाहें तो भारत का बंटवारा एक स्त्री के कारण हुआ, एक औरत के कारण, और वो थी एडविना। नेहरू भी उससे लगा हुआ, जिन्ना भी लगा हुआ, और एडविना इतनी चालाक, दोनों को हैंडल करती थी, दोनों को हैंडल करती, और इन दोनों को तैयार किया उसने, नेहरू को और जिन्ना को, दोनों को। आपको एक घटना सुनाता हूं जो आर्काइव्स के रिकॉर्ड में दर्ज है, किसी दिन ये रिकॉर्ड्स खुलेंगे तो देश में विस्फोट होगा। 3 जुलाई 1947 को एडविना और उसका पति, तथा कथित पति, सो कॉल्ड माउंटबेटन, क्योंकि माउंटबेटन एडविना के साथ कभी बेडरूम में सोया नहीं जितने दिन वो भारत में रहा। तो कौन सोता था आप सब जानते हैं। माउंटबेटन तथा कथित पति एडविना का 3 जुलाई 1947 को अपनी पत्नी को बुलाता और कहता है कि मैं जा रहा हूं शिमला। क्यों जा रहे हैं? अंग्रेजों के यहां से चिट्ठी आ गई है पार्लियामेंट से कि जल्दी से भारत का बंटवारा करने के लिए तैयारी करो, दोनों देशों को अलग अलग करना है। चिट्ठी आ गई है, मुझे इस पर कुछ काम करना है। तो एडविना ने पूछा काम क्या करना है, तो उनका मैं जा रहा हूं शिमला, तुम दोनों को लेकर मेरे पीछे आओ, दोनों माने नेहरू और जिन्ना, इसको लेके आओ। तो एक ही दिन लाना है? नहीं नहीं अलग अलग दिन लाना है। तो पहले पहुंच गया माउंटबेटन, पीछे से एक दिन लेके गई वो नेहरू को। नेहरू को शाम को ही इशारे इशारे में कहा गया कि आपको बंटवारे के पेपर्स पर हस्ताक्षर करने हैं। नेहरू ने कहा कि मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में मुझे पूछना पड़ेगा। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाद में कहना, पहले हस्ताक्षर कर दो। तो नेहरू ने कहा नहीं। और यह सब थोड़ी देर चला वार्तालाप। थोड़ी देर के बाद एडविना ने आर्म ट्विस्टिंग किया, और वो आर्म ट्विस्टिंग ये था कि मिस्टर नेहरू, अगर आप अभी साइन नहीं करते हैं तो मुझे कुछ फोटोग्राफ्स भारत की प्रेस में रिलीज करने पड़ेंगे। सही बात है। और वो फोटोग्राफ्स क्या थे?
एडविना के साथ शराब पीते हुए, एडविना के साथ डांस करते हुए, एडविना के साथ पता नहीं क्या क्या करते हुए। एडविना इतनी चालाक महिला थी कि अंतरंग क्षणों को उसने फोटोग्राफी से उतरवा के रखा हुआ था कभी भी इस्तेमाल करने के लिए। नेहरू जी परेशान हो गए कि अगर ये फोटोग्राफ्स रिलीज हो गए तो क्या होगा। इमीडिएट वो तैयार हुए और 3 जुलाई को सवेरे 2:30 बजे उन्होंने सिग्नेचर कर दिए। दिल्ली भागकर आए, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और कहा कि मैंने तो भारत का बंटवारा स्वीकार कर लिया। तो कांग्रेस वाले परेशान हो गए कि आपने बिना हमसे पूछे। तो उन्होंने कहा हां, परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मैंने वो बंटवारा स्वीकार कर लिया। क्या परिस्थिति थी तो सच नहीं बताया, बताया कि वो जिन्ना अड़ा हुआ था और भारत के साथ बार्गेनिंग करने की कोशिश कर रहा था, इतना एरिया मुझे पाकिस्तान में दो दो, ये सब बातें बता के वर्किंग कमेटी को कन्विंस किया। तो वर्किंग कमेटी ने कहा कि गांधी जी को बताया, तो उन्होंने कहा गांधी जी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? तो नेहरू जी का सेंटेंस सुनिए, ये बुढ़ा खूसट, इसका दिमाग खराब हो गया है, इसको बताने से क्या फायदा। लेकिन बात तो पहुंची गई गांधी जी तक। गांधी जी ने फिर वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाई और इस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में आखिरी बार उन्होंने कहा कि देखो, नेहरू ने हस्ताक्षर तो कर दिए हैं, लेकिन मैं भारत के नागरिकों की तरफ से इसको मान्यता अगर ना दूं तो अंग्रेजों की सरकार परेशान हो जाएगी, लेकिन तुम सब तय कर लो कि नेहरू को रखना है या बाहर करना है। तो वर्किंग कमेटी में फूट पड़ गई, कुछ लोगों ने समर्थन कर दिया, कुछ लोगों ने विरोध कर दिया। सरदार पटेल उस समय खामोश हो गए, मौन हो गए, उन्होंने अपना ओपिनियन नहीं बताया, तो कई लोगों ने उसका अपना अपना अलग अर्थ लगाया। फिर गांधी जी ने कहा कि फिर ठीक है, तुमको जो करना है वो करो, मेरे पास आज से आना बंद कर दो। वो आखिरी दिन था। उसके बाद गांधी जी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाना और उनको अपने पास बुलाना बंद कर दिया और उसके 10-12 दिन के अंदर 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई 1947 के बीच में इन्होंने बहुत सारे वो काम कर दिए कि बंटवारे में कौन सा हिस्सा पाकिस्तान जाएगा, कौन सा भारत रहेगा, आर्मी का बंटवारा कैसे होगा, लोगों का बंटवारा कैसे होगा, पैसे का बंटवारा कैसे होगा, वो सब फॉर्मूले तय कर लिए। अंग्रेजों ने एक अधिकारी भेज दिया, उस अधिकारी ने बाउंड्री लाइन तय कर लिया और उसके बाद सब कुछ तय होकर 14 अगस्त रात 12 बजे उन्होंने भारत को तथाकथित आजाद कर दिया 2 टुकड़े करके, भारत और पाकिस्तान। मैं आपसे बहुत विनम्रता पूर्वक कहने आया हूं ये कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई वैचारिक आंदोलन का परिणाम नहीं था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा कोई बहुत बड़े युद्ध क्रांति का परिणाम नहीं था। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा 2 नेताओं के चरित्र से उतर जाने का दुष्परिणाम था। हमारे यहां यह कहा जाता है कि सामान्य आदमी दुष्चरित्र हो जाए तो उसका स्वयं का पतन होता है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद के दावेदार व्यक्ति के चरित्र का पतन हो जाए तो राष्ट्र का ही विनाश होता है। ये कहानी है हिंदुस्तान के बंटवारे की। आप बोलेंगे जी क्यों सुनाई? इसलिए सुनाई कि एक तरफ सरदार भगत सिंह जैसे 6,32,000 क्रांतिकारी जो भारत को आजाद होकर एक नया राष्ट्र बनाने का सपना देख रहे थे, और एक तरफ जिन्ना और नेहरू जैसे लोग जो अपने चरित्र में नीचे गिरकर देश की सत्ता का सौदा कर रहे थे।